परमात्मा मुझसे क्या पूछेगा? गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के मुताबिक परमात्मा हमसे क्या पूछेगा? यदि हम कुर्बानी को ध्यान से पढ़कर अपनी जीवन का आधार बना लें, तो हमारे अनेकों वहन दूर हो जाएंगे। हम माया के प्रभाव में जीवन जी रहे हैं। गुरु हमारे मन की सारी उलझनें दूर करते हुए बताते हैं कि हे मनुष्य, अब होश में आ और अच्छा जीवन बिताकर ध्यान लगाते हुए हर काम में अपने परमात्मा को याद कर, क्योंकि परमात्मा तुझसे ये नहीं पूछेगा कि तेरे पास कितना पैसा है, वो ये पूछेगा कि तूने उसे कमाया कैसे। वो ये नहीं पूछेगा कि तेरे पास डिग्री कौन कौन सी है, वो पूछेगा तेरा चरित्र और स्वभाव कैसा है। वो ये नहीं पूछेगा कि तेरा घर कितना बड़ा है, वो ये पूछेगा कि तूने ये घर कैसी कमाई से बनाया है। वो ये नहीं पूछेगा कि तेरे रूप की सुंदरता कितनी है, वो ये पूछेगा कि तूने मीठे बोल कितनों को बोले हैं। परमात्मा ये नहीं पूछेगा कि तू किस किस तीर्थ स्थान पे गया, परमात्मा ये पूछेगा कि तूने वहां से दया, प्रेम और भाईचारा सीखा कि नहीं। वो ये नहीं पूछेगा कि तू कितना बड़ा डॉक्टर, वकील और नेता है, परमात्मा तो ये पूछेगा कि तूने कितने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। वो ये नहीं पूछेगा कि तू कितना बड़ा पंडित, पादरी, ग्रंथी या काजी है, वो ये पूछेगा कि क्या तूने सब में एक परमात्मा को देखा और समझा। वो पूछेगा कि तूने अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मिटाया या नहीं। वो ये नहीं पूछेगा कि तू कितना बड़ा गायक, एक्टर और लेखक है, वो ये पूछेगा कि तूने सच और इंसाफ की बात लोगों से की या नहीं। परमात्मा हमारे संसार से चले जाने के बाद नहीं, बल्कि हर वक्त हमसे पूछता है कि तूने कितना सच दुनिया को बताया है, क्या तूने दया, प्रेम और धर्म और भाईचारे को अपनाया है। वो ये पूछता है कि तूने कभी इंसान को इंसान समझा और सब में एक परमात्मा को देखा, वो परमात्मा जो हर जगह है। इसीलिए गुरु साहिब की बाणी को न सिर्फ पढ़ना है बल्कि जीवन का आधार बनाना है, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो, और ऐसी और अनेकों वीडियो देखने के लिए गुरुद्वारा बंगला साहिब का, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब का, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का और मेरा मनजिंदर सिंह सिरसा का पेज लाइक करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।